छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने इस वर्ष भी छठ मैया का व्रत रखा। रविवार को सेक्टर 2 छठ तालाब पहुंचकर अस्त होते सूर्य को तथा सोमवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना कर भिलाई वासियों और प्रदेश की खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। छठ महापर्व को मनाने के लिए न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति द्वारा सेक्टर 2 छठ तालाब को भव्य रूप से सजाया गया था, जिसकी सराहना छठ महोत्सव में पहुंचे जनप्रतिनिधियों सहित श्रद्धालुओं ने दिल से की। उत्तर भारतीयों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व छठ सभी स्थानों की तर्ज पर भिलाई सेक्टर 2 स्थित तालाब में भी हर्ष से मनाया गया। इस अवसर पर न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति द्वारा तालाब परिसर को सजाया गया था। रविवार जहां डूबते सूर्य को व्रतधारियों ने अर्घ देकर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की, तो वहीं अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रतधारियों ने परिवार व देश प्रदेश में खुशहाली की कामना दिल से की। यहाँ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने शामिल लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। सभी छठ व्रतधारियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। छठ महापर्व आप सबके व्यक्तिगत पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में सारी खुशियां लेकर के यह छठ महापर्व ये छठ मैया विगत 20 वर्षों से न्यू आजाद समिति के द्वारा छठ घाट पे हमेशा आयोजन करते आ रहा है निरंतर, और ये प्रदेश के पूरे भिलाई वासी सबके लिए खुशहाली के लिए माँ छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि सबको खुशहाल रखे, सब स्वस्थ रहे। माता का बिल्कुल जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा होता है। छठ मैया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मैं से कामना करता हूँ कि माता आपसी भाईचारा रहे, एकदम प्रेम चार, हमारा भिलाई खुशहाल रहे, हमारा देश खुशहाल रहे। मैं से प्रार्थना छठ मैया कि आपसी भाईचारा हम सब में प्रेम भार भरा रहे। छठ मैया का जो पूजन है यहाँ पर हर साल की तरह बहुत ही अच्छे धूमधाम से मनाया जा रहा है, और अभी पिछले 2 सालों में थोड़ा सा कोरोना की वजह से दिक्कत थी, इस बार तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से लोगों में बहुत उमंग है, जनता बहुत उत्साहित है और छठ मैया के पर्व में यहाँ आकर के छठ मैया को प्रणाम करती है, पूजा करती है। और ये अनोखा एक त्यौहार है जिसमें हम सूर्य देवता को डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद अपने पर्व को समाप्त करते हैं। आज ये बिहार से निकल के त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में फैला है, हिंदुस्तान के अलावा नहीं पूरे विश्व में आज छठ मैया का त्यौहार मनाया जाता है, और इस पर्व पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और छठ मैया से आग्रह करता हूँ कि सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए। कार्यक्रम में अंचल के ख्याति प्राप्त ऑर्केस्ट्रा शाहिद आरिफ म्यूजिकल ग्रुप द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। आइए देखते हैं न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति द्वारा आयोजित किए गए इस भव्य आयोजन की खास झलकियां। Oh,
घंटों का निर्जला व्रत रख व्रतधारियों ने छठी माता की पूजा अर्चना कर सभी की समृद्धि व खुशहाली की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।